अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेखर मतली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बीआरएस पार्टी ने चारमीनार के रूबरू एहतजाज किया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। केटीआर यहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि चारमीनार का लोगो हटाया गया है तेलंगाना के लोगों पे से। यानी जब बीआरएस हुकूमत थी तो बीआरएस हुकूमत ने एक कमान के नीचे एक चारमीनार को रखा था, ये एक पहचान थी तेलंगाना के लोगों की। लेकिन अब कांग्रेस हुकूमत ने वो चारमीनार को हटा दिया। केटीआर ने अपनी नाराजगी का इजहार किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास क्या दूसरा काम नहीं है, जो इस तरह से एक के बाद एक टीएस को टीजी कर दिए और फिर अब लोगों हटा रहे हैं, जो हैदराबाद की शान है, तेलंगाना की शान है, पूरे हिंदुस्तान की शान है चारमीनार, उसका लोगो हटाया गया, ये साबित क्या करना चाह रहे हैं। ऐसे कई सवाल केटीआर ने उठाए हैं। बहरहाल, जिस तरह से रेवंत रेड्डी चारमीनार को हटाने की बात की और चारमीनार का लोगो हटाया गया, तो अब इस पे कहीं ना कहीं अब सवाल उठेंगे और अब इसका जवाब रेवंत रेड्डी को देना होगा। तक रेमन के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। हैदराबाद जो तेलंगाना की शान है, उसकी पहचान चारमीनार है। ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में चारमीनार और हैदराबाद दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको कोई अलग नहीं कर सकता। आज तेलंगाना की जो लोगो है, ऑफिशियल लोगो, उसमें से चार मीनार हटाने का जो अधिकार दिया, आर्च हटाने की जो कोशिश, तेलंगाना की कांग्रेस की हुकूमत, इसको हम पूरी तरह से इसकी मुखालिफत करते हैं और डिमांड करता हूँ इस हुकूमत की और खास यहाँ के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से, क्या जरूरत आई थी, क्या आपको इतना इमीडिएट अर्जेंसी क्या था इसको हटाने की, और क्या जरूरी है कि तेलंगाना में 10 साल हुकूमत चलाए केसीआर साहब और जिस कदर उन्होंने तरक्की की और जो काम की, उनके बाद 10 साल के बाद आप नहीं करना चाहते। कम से कम उनका 10 साल का जो परफॉर्मेंस रहा तेलंगाना के पूरे हिंदुस्तान में, उसका आप जिक्र नहीं करना चाहते। आपको मैं कहना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ, कतई मंजूर नहीं है और तेलंगाना की जनता और तेलंगाना की आवाम इसका पूरी तरह से विरोध करती है और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को कि आप विद्रॉ कर लें, मीरगन का विद्रॉ जिसको बोलते तपकुंडा इट हैदराबाद लो गानी अट राष्ट्र व्याप्तंगा गानी मरी तेलंगाना వాదులు తెలంగాణ ఉద్యమకారులందరూ కూడా దీన్ని వ్యతిరేకిస్తారని మరొకసారి తెలియజేస్తూ, ఇవాళ చార్మినార్ దగ్గర కూడా ప్రత్యేకంగా వచ్చింది, ఎందుకంటే మరి హైదరాబాద్ అనగానే గుర్తొచ్చేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా చార్మినారు, అట్లాంటి చార్మినారు 440 సంవత్సరాల పైచిలుకు చరిత్ర ఉన్న చార్మినార్. ఇంకొక మాట కూడా నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా, సరిగ్గా 1991లో అన్నాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు 400 సంవత్సరాల నిందా కర్తే ఇస్ గవర్నమెంట్ కి జిన్కో సమజ్ భీ నహీ కి క్యా లగానా చాహియే లోగో మే ఔర్ క్యా నహీ లగానా చాహియే। तेलंगाना की जो विरासत है, तेलंगाना की जो रिच हिस्ट्री है, इसकी पहचान हैदराबाद है और हैदराबाद की पहचान और हैदराबाद की निशान और हैदराबाद की शान चारमीनार है। इसलिए मैं डिमांड करना चाहता हूँ इस हुकूमत से कि आप जल्दबाजी में ऐसे फैसला ना लें जिससे आवाम को और उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको तकलीफ हो सकती है। आप काम करें आवाम के लिए, ऐसे काम करें जो आपने वादा किया 420, वो 420 हामियों को, 420 एश्योरेंसेस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो और जिस हद तक हो सका भलाई करने की कोशिश करो, अच्छाई करने की कोशिश करो। थैंक यू।